और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद हैं। पीएम आवास पर 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर इस बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। जम्मू श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घाटी में 144 धारा लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। घाटी में धारा 144 लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह, उनके आवास पर उनके साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। 9:30 बजे पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें आपको, देर रात से वहां पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सभी नेताओं को वहां पर नजरबंद किया गया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक ओर जहां कश्मीर में लगातार गहमा गहमी दिख रही है, मोबाइल सेवाएं बंद की गई हैं, इसके साथ ही धारा 144 लगाई गई है, नेताओं को वहां पर नजरबंद किया गया है, और अब कैबिनेट की बैठक हो सकती है 9:30 बजे, क्या कुछ आ रही जानकारी? देखिए, 9:30 बजे समय निर्धारित है कैबिनेट की जो मीटिंग होनी है, लेकिन गृह मंत्री और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं, ये दोनों प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से 9:30 बजे निर्धारित है कैबिनेट की मीटिंग, तो ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला सामने आने वाला है। और क्योंकि इसकी गंभीरता इससे भी समझी जा सकती कि अभी मीटिंग से एक घंटे से भी करीब थोड़ा वक्त पहले ही ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये दोनों मंत्री आवास पहुंच गए हैं। तो इसे इस पूरे जो कैबिनेट मीटिंग है, इसकी गंभीरता समझी जा रही है। हालांकि अमूमन तौर पर जब बीजेपी यानी कि एनडीए की जो कैबिनेट मीटिंग होती है, ये बुधवार को होती है, लेकिन इस बार सोमवार को यानी कि आज रखी गई है, और अब एक घंटे से भी कम का वक्त बचा है, तो ये माना जा रहा है कोई बड़ा फैसला इससे निकल के आएगा जम्मू कश्मीर को लेकर, और जिसमें कि राष्ट्रपति भी भारत वापस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बाहर विदेश दौरे पे थे और कल ही वो पहुंचे हैं भारत। तो ये सब सारे जो कड़ियां जोड़ के देखी जा रही है, इसमें जो कानून में जो कोई बदलाव होना है कुछ, हालांकि जरूर है कि अभी थोड़ा सा वक्त है, जब सारी चीजें सामने आ जाएगी तो ये इशारा इसे और जरूर करेगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार जो है कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने वाली है। अड़चने लगातार लगाई जा रही है शंकर, की कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले सकती है। धारा 370 और 35A को लेकर कुछ सुनवाई हो सकती है, कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन लगातार विपक्षी भी एक तरफ लामबंद हुए, विपक्षी भी एकजुट हो रहे हैं इस मामले को लेकर, तो कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है इस बैठक में कोई फैसला लेना? देखिए, जिस तरह से सरकार को इस सत्र में यानी कि संसद का जो मौजूदा सत्र चल रहा है, इसमें जो सफलता मिली है, दो तीन अगर बिल बड़े बिल की बात करें जिसमें 3 तलाक सबसे बड़ा माना जा रहा है, इसमें सरकार को सफलता मिली है और दोनों सदन से पास करा के ये जो कानून बन गया है 3 तलाक, तो सरकार के हौसले बुलंद है। सरकार इसी को देखते हुए ये तैयारी, हालांकि तैयारी पिछले करीब एक महीने से चल रही थी, ये जरूर कि कुछ दिनों में इधर इसमें काफी हलचल बढ़ी है, तो ये माना जा रहा है कि सरकार जो है काफी सोच विचार कर हर पहलू पे इस पे गौर करने के बाद जो कानूनन है उसको देखने के बाद कदम आगे बढ़ती है, और सरकार को भरोसा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा मसला है जो कि आजादी के बाद से ही ये काफी फोकस में रहा है। शंकर, जानकारी इस तरह की भी आ रही है कि जो मौजूदा सत्र है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, क्या इस बैठक में इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा होने की संभावना है कि इसमें, क्योंकि एक बार पहले ही बढ़ाने की बात आई थी और इसको बढ़ाया गया है, और अभी फिर ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें बिंदु है, इसी बात पे सबकी नजर, पूरे देश की नजर है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हलचल बढ़ी हुई है, और आज यानी कि अमूमन जो बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होती है एनडीए की, 2 दिन पहले यानी कि आज सोमवार को मीटिंग होनी है, और मीटिंग को भी लेकर काफी गहमा गहमी है। जी, गहमा गहमी काफी है शंकर, और अब बैठक के बाद ही नतीजा निकल के आएगा, क्या कुछ जो अटकलें लगाई जा रही थी कितनी सही है इस बैठक में, क्या फैसला होता है, ये अब बैठक के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको, 9:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी पीएम आवास पर।